एसजी किचन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, अल्लाह की फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है स्वीट स्नैक्स की। स्पेशली ये रेसिपी जो है ये बच्चों के लिए है। बच्चों को बाजार की चीजें खिलाने से बेहतर है बच्चों को घर में स्नैक्स बना के दें, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, आप भी इसको बनाते हुए बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, इसमें एक कप मैदा ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदे को आपने छान लेना है अच्छे से। 1/4 कप सूजी, आधा कप चीनी, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। वन टेबलस्पून घी ऐड करेंगे, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक अदद अंडा ऐड करेंगे, अच्छे से इसे बीट लेना है और वो इसमें ऐड कर देना है। अब इसे अच्छे से इस तरह से हाथ के साथ मिक्स करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो मिक्सचर हमारा है बहुत हार्ड है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा साथ दूध ऐड करते जाएंगे। एकदम से आपने दूध नहीं ऐड करना। एक हमने डो तैयार करनी है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डो हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपको फील हो कि डो बनाते वक्त ये आटा ये मैदा आपके हाथ पे या बर्तन पे चिपक रहा है तो आपने हाथ पे और बर्तन पे ऑयल लगा लेना है, डो बहुत ही अच्छी बनेगी। और एकदम से आपने ज़्यादा दूध इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और फिर आपकी ये डो तैयार होगी। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। जैसा कि फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसे साइड पे करेंगे। थोड़ा सा मैदा इधर हम डस्ट करेंगे और जो हमने डो तैयार की थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधी डो इसमें से निकाल के इस तरह से पेड़ा बना के तो इसको हम बेल लेंगे। बेलन को आपने हल्का हल्का ऑयल लगा लेना है और फिर इसको आपने ऐसे बेलना है। इसको आपने ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा सा ये मोटा होगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से और बहुत ही एहतियात से आपने इसकी कटिंग करनी है। स्क्वायर शेप में मैंने सभी स्नैक्स की कटिंग कर ली है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल जैसा कि गर्म हो गया, अब इसमें ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इनका कलर लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे इस तरह से। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है। वन बाय वन इसी तरह से सभी की साइड चेंज हो जाएगी और बहुत ही इजीली इसकी साइड भी चेंज हो रही है, कोई नहीं ये चिपका, बहुत इजीली ये बन जाते हैं। मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं मीडियम फ्लेम पे से। माशाल्लाह से फ्रेंड्स ये रेडी हो चुके हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू इससे आ रही है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। फाइनली फ्रेंड्स माशाल्लाह से हमारे स्वीट स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे तोड़ के देखेंगे। ये आप देख सकते हैं अंदर से ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही मज़े के ये बने हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके स्नैक्स कैसे बने। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।